फुकरा और मनीषा लड़ाई के बाद आपस में बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर फुकरा को मनाने के लिए हर तमाम कोशिशें करती नजर आई हैं मनीषा। और एक बार फिर से फुकरा के लिए उसने कुछ ऐसा किया है जिसे देखकर फुकरा को भी ये तो महसूस हो रहा है कि मनीषा को अपनी गलती का एहसास है, लेकिन वो उससे बात करने को राजी नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ है हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते ही हैं कि फुकरा और मनीषा के बीच में कल रात को बहस हो गई थी। अब आज सुबह सुबह फुकरा अपनी चाय तक बनाने के लिए नहीं आया। वो किसी बात को लेकर लगातार नाराज ही है, और जब मनीषा को लगा कि फुकरा खुद की अपनी चाय नहीं बनाएगा तो वो उससे पूछने के लिए आई कि तुझे चाय पीनी है नहीं पीनी। इस पर फुकरा ने कहा कि मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है। तो एक बात तो तय है कि फुकरा का ध्यान रखती नजर आई है मनीषा, लेकिन फुकरा है कि उससे बात करने को तैयार ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि कल एक कॉन्वर्सेशन में मनीषा ने फुकरा को ज्ञानी बोल दिया था, और ये बात जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी फुकरा को कि उसकी पीठ पीछे उसे ज्ञानी क्यों कहा गया। हम आपको बता दें कि उसके बाद मनीषा ने तमाम कोशिशें कर ली इस बात की कि वो जो है फुकरा को मना ले, लेकिन फुकरा मानने को ही तैयार नहीं था। आपको क्या लगता है इस बारे में कि क्या मनीषा मना पाएगी फुकरा को? आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।